क्लास 9 यूनिट 1 का फर्स्ट सेशन व्हाट इज कम्युनिकेशन इट्स प्रोसेस इट्स टाइप्स वो सब हमने कर लिया। सेकंड सेशन एंड थर्ड सेशन जो कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर था वो भी हमने अच्छे से कर लिया है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ सेशन है राइटिंग स्किल्स का, जिसमें सबसे पहले राइटिंग स्किल्स की ऐसी स्किल्स जो कि हमें लिखने के लिए कौशल प्रदान करती है कि हमें किस तरह से जो है लिखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम ग्रामर देखेंगे कि हमें ग्रामर्स के क्या बेसिक रूल्स जो है वो ऑप्ट करने चाहिए ताकि हमारा जो सेंटेंस हो वो कंप्लीट सेंस में करेक्ट हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ध्यान से सुनेंगे। वेलकम टू द लेसन बेसिक ग्रामर। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिक ग्रामर के बारे में। Previously, we looked at what sentences are and the different parts they contain. But do you know what sentences do? Most sentences describe an action. They also mention who performed the action. Sometimes they mention who received or felt the effects of the action. Knowing how to communicate this information is important. As Reema and her children find out in this short video. बेटा इसमें बताया कि ज्यादातर जो हमारे sentences होते हैं वो किसी action को describe करते हैं। Action means कुछ क्रिया को describe करते हैं, उस क्रिया को बताते हैं। तो ये कई sentences हमारे ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि वो action जो थी, वो क्रिया थी, वो किसने की थी। ठीक है, और कुछ sometimes कई बार वो सब sentences हमें ये बताते हैं कि उस action को करने के बाद किसको क्या इफेक्ट हुआ, किसने उस एक्शन को रिसीव किया, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले ये वीडियो देख लेते हैं। संजय डियर, व्हाट हैपेंड हियर? अ ग्लास बॉटल फेल मा। यस, I can see that. Who dropped it? It was on the table. Okay, but how did it fall? Somebody has placed it near the end of the table and it fell. Who placed it near the end of the table? It was placed there by somebody. I know it was placed there, but who placed it there? Was it you or Dia? Okay, how did the bottle fall from the table? Did someone knock it over? Something hit the bottle and it fell. Something? What hit the bottle? The bottle was hit by a tennis ball. But which one of you hit the bottle with the tennis ball? Okay, there's no use asking you to tell me who broke the bottle. Let's just clean up this mess. Are you going to clean it up? No, I will help. But this mess will be cleaned up by the people who created it. Sanjay and Dia. Okay, तो आपने ये वीडियो देखा जिसमें क्या हुआ कि मम्मा रसोई में काम कर रही थी, उसको आवाज आती है किसी बॉटल के टूटने की, तो वो जल्दी से फिर भाग करके रूम में जाती है। तो वो देखती है कि दिया और संजय वहां पर खड़े हैं और बॉटल जो है टूट गई है। तो वो उनसे पूछ रही है बार बार कि ये बॉटल किसने तोड़ी, पर वो कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उसने तोड़ा है। ना संजय एक्सेप्ट कर रहा है, ना दिया एक्सेप्ट कर रही है। इवन दिया क्या बोल रही है कि वो टेनिस बॉल से टूट गई थी, और संजय क्या बोल रहा है कि वो जो बॉटल है वो टेबल के किनारे पे रखी थी। तो उसकी मम्मा बार बार पूछ रही है कि वो बॉटल अगर किनारे पे रखी थी किसने रखी थी, या दिया जैसे बोल रही है बॉटल जो है वो बॉल लगने से टूटी है, तो बॉल किसने फेंकी है। बट वो कोई भी किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो एंड में मम्मा बोलती है कि कोई बात नहीं, आप लोगों से पूछना बेकार है कि किसने ये बॉटल तोड़ी है, तो आप लोग वैसा करो, ये जो मेस क्रिएट किया आपने, जो ये गंद फैलाया आपने, उसको आप खुद ही साफ करेंगे। ठीक है, तो इससे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इससे क्या पता चला। तो इसमें क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, हाउ डिड संजय एंड दिया अवॉइड टेकिंग द ब्लेम फॉर ब्रेकिंग द ग्लास बॉटल, कि संजय और दिया ग्लास बॉटल तोड़ने का जो उन पे इल्जाम लगने वाला है उसको किस तरह से वो अवॉइड कर रहे हैं। तो दे टॉक्ड अबाउट समथिंग एल्स, दे रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन, दे टोल्ड लाइज एंड मेड अप फॉल्स स्टोरीज, दे यूज्ड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस क्लेवरली। तो इसमें यही है कि दे यूज्ड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस क्लेवरली, कि वो इस तरह से वर्ड्स और सेंटेंसेस को यूज कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी ब्लेम नहीं आ रहा है।
और वो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ब्लेम नहीं आ रहा है, तो इस तरह से वो क्या है सेंटेंसेस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी यही है कि when Diya said the bottle was hit by a tennis ball, तो what detail did she avoid mentioning? तो वो यही है कि वो खुद नहीं बोल रही है कि इसने बॉल फेंकी थी तो टूटा है, वो बस शब्दों का cleverly इस्तेमाल कर रही है और बता रही है कि जो बॉटल टूटी है वो हमसे नहीं टूटी है, टेनिस बॉल इस पर हिट हुई थी तो बॉटल टूटी है। तो इसका मतलब वो भी क्या कर रही है, दे यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस क्लेवरली। In this lesson, you will learn how to define grammar and identify its role in sentence construction. Identify subjects, verbs, and objects. Identify direct and indirect objects. Define active voice and passive voice. And identify declarative, interrogative, exclamatory and imperative sentences. Okay, तो हम लोग का जो इस सेशन में हम लोग सीखेंगे वो क्या सीखेंगे कि ग्रामर क्या होती है, इसके रोल क्या होते हैं, और हम ये देखेंगे कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, किसको वर्ब बोलते हैं और किसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। साथ के साथ हम ये सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस कौन से सेंटेंसेस को बोलते हैं और पैसिव वॉइस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, और हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। राइट, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स अस हाउ टू कम्युनिकेट इन अ लैंग्वेज। वी हैव लर्नड अबाउट सेंटेंसेस एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट देम यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। In this lesson, we take a closer look at the basic grammar that will guide us in using these words correctly. Look at these two sentences. My name is Divya. Divya name my is. We know that the first sentence is correct. It is correct because it follows the basic rules of grammar. It is also easy to understand because most of us know how these rules work. तो ग्रामर क्या होता है? ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है, मतलब एक नियमों का एक पूरा पिटारा है, एक सेट ऑफ नियम्स है, मतलब सेट मींस काफी सारे जो रूल्स एक साथ हमने रखे हैं, और वो उन रूल्स से हमें पता चल रहा है कि हमें उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में किस तरह से बात करनी है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में किस तरह से हमने दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना है। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना, जिसमें पूरे नियम होते हैं उसके उस लैंग्वेज को सीखने के, ठीक है, तो वो पूरा उस रूल्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, ग्रामर। ठीक है, अब जैसे दो सेंटेंसेस दिए हैं यहाँ पर, माय नेम इज दिव्या, दिव्या नेम माय इज, तो आप लोग को सबको पता है कि पहला सेंटेंस करेक्ट है इन दोनों में से, माय नेम इज दिव्या, क्योंकि ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें भी करेक्ट सेंटेंसेस का यूज करना है। तो हम आगे देखते हैं क्या है इसमें। We are already aware of the different parts of speech we use to form sentences. These include nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, and so on. But how do we decide the order in which to use these words? Do we put the noun first or do we use the verb first? The knowledge of basic grammar tells us which word order to use and what types of sentences to form. बेटा आप सबको पता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, तो उसमें नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, वर्ब होता है, एडवर्ब्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं? देखो, नाउन क्या होते हैं, संज्ञा, किसी भी पर्सन, जगह का नाम, कोई भी चीज जो किसी का नेम, खास करके सिटी है, कोई पर्सन है, कोई चीज का नाम है, वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं, जिसको संज्ञा बोलते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, सर्वनाम। ठीक है, तो जैसे हम किसी को उस किसी को इनडायरेक्टली किसी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है उस टाइम, प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो सर्वनाम, तो संज्ञा के स्थान पर लिए जाने वाले जब नाम को हम सेंटेंस में यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। आपने कई बार इंग्लिश और हिंदी में इन सब चीजों को पढ़ा है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है विशेषता, उसकी विशेषता क्या है, जैसे नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले जो हमारे शब्द होते हैं उसको हम
विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या हुए? एडजेक्टिव्स हुए। विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि ही हैज वेरी लॉन्ग एंड ब्लैक हेयर, तो हेयर यहाँ पर जो उसकी विशेषता को बता रहे हैं ये वर्ड्स कौन कौन से, ब्लैक एंड लॉन्ग, तो ब्लैक बोल दो या लॉन्ग बोल दो, ये कौन से हुए? विशेषण हुए, जो कि उसकी विशेषता को बता रहे हैं बालों की। तो एडजेक्टिव हुए हमारे लॉन्ग एंड ब्लैक। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा जैसे और एडजेक्टिव में जैसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं आपको पता है। ठीक है, जैसे शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स, जैसे कि हमने बोल दिया ब्यूटिफुल, और ब्यूटिफुल को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? वेरी। तो ये क्या हुए हमारे एडजेक्टिव्स हुए। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब मीन्स कोई क्रिया अगर हम कर रहे हैं, जैसे अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हम टेनिस खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो या हम सो रहे हैं या हम हंस रहे हैं, तो किसी तरह की हम क्रिया कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ हमारा वर्ब हुआ। ठीक है, और एडवर्ब क्या हुआ? क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्दों को एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि शी प्लेज वेरी फास्ट या शी रन्स वेरी फास्ट, है ना, तो जो इसमें वेरी फास्ट हुआ, अब बहुत तेज भागना, तो भाग तो रहा है बट कैसे भाग रहा है? बहुत तेज भाग रहा है या बहुत धीरे भाग रहा है। तो ये जो अलग से हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, या शी प्लेड वेरी वेल, कि वो खेलती है पर बहुत अच्छा खेलती है, तो जो वेल वर्ड हुआ, वेरी वर्ड हुआ, वेरी फास्ट वर्ड हुआ, वेरी स्लो वर्ड हुआ, ये क्या हुआ हमारे एडवर्ब्स हुए। ठीक है, तो जो रन हुआ, फुटबॉल हुआ, स्लीपिंग हुआ, लाफिंग हुआ, ये सारे हमारे वर्ब्स हैं। बट जैसे हम उसको और बता रहे हैं कि वो भागता तो है पर बहुत तेज भागता है, वो खेलता तो है पर बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, तो वो जो उसको एक्स्ट्रा उसकी विशेषता को, क्रिया की विशेषता को जो एक्स्ट्रा चीजें बता रही है ना, उसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण या फिर एडवर्ब। ठीक है, तो जो बेसिक ग्रामर है ना जो हम लोग सीखते हैं, उससे डिसाइड करने में हमें मदद मिलती है कि पहले नाउन को रखना है कि प्रोनाउन को रखना है। ठीक है, तो किस तरह से हमें इनकी प्लेसमेंट करनी है वो हमें बेसिक ग्रामर से ही पता चलेगी। लेट्स लुक एट दिस सिंपल सेंटेंस। दिव्या रीड्स अ बुक। इट इज मेड ऑफ थ्री पार्ट्स, अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। ऑलमोस्ट ऑल इंग्लिश सेंटेंसेस हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, सम आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट। Click each image to know more. तो कोई भी sentence होता है उसमें एक subject और एक verb जरूर होता है, but कई sentences ऐसे भी होते हैं जिसमें subject, verb और object तीनों चीजें होती हैं। तो ये subject, verb और object क्या होता है, one by one हम देखेंगे। तो पहला है subject. The subject is the person or thing that performs an action. The question, who or what performed the action, will help you find the subject. In this sentence, Divya is the subject. Okay, तो subject क्या हुआ? वो person हुआ, वो चीज हुई जो कि action को करती है। तो अगर हमें देखना है कि subject कौन है और हम ये question देख लें उसमें कि किसने action perform किया, किसने किया, वो क्या हो जाएगा? Subject हुआ। क्या what performed the action? किसने what performed the action? किसने वो क्रिया जो है perform की? किसने वो क्रिया परफॉर्म की, उससे भी हमें आंसर मिल जाएगा कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? वो पर्सन या वो एक थिंग, वो चीज जो कि एक्शन परफॉर्म करती है, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में जैसे इन दिस सेंटेंस क्या हुआ? दिव्या इज द सब्जेक्ट। तो इस केस में दिव्या हुई हमारी सब्जेक्ट। दिव्या कोई इसमें सेंटेंस दिया था ना, दिव्या प्लेज या कुछ था अभी, तो उसमें जो दिव्या थी उसने वो परफॉर्म किया है वो एक्शन, तो दिव्या क्या है हमारा सब्जेक्ट है। लेट्स स्टॉप फॉर अ क्विक एक्टिविटी। लुक एट दीस थ्री बॉक्सेस, सब्जेक्ट्स, वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट। पीछे अभी हमारा टैग है, लेट्स लुक एट दिस सिंपल सेंटेंस, दिव्या रीड्स अ बुक। अभी हमने वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ना रह गया था, तो वर्ब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। द वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन। द क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन, will help you find the verb. In this sentence, reads is the verb. तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो verb होता है वो क्या होता है? क्रिया होती है। ठीक है, जैसे अभी ये read कर रही है, देख रहे हो ना आप, पढ़ रही है, तो Divya reads a book, ये sentence है इसमें। तो read क्या है? पढ़ना हुआ। पढ़ना क्या हुई? क्रिया हुई। तो क्रिया समझ गए ना आप क्या इस sentence में? पढ़ना। तो और कौन सी क्रियाएं होती है? खेलना, हंसना,
सोना वो भी एक क्रिया है, ठीक है, भागना खेलना सब क्रिया है। The object is the person or thing that receives the action. The question, who or what received the action, will help you find the object. In this sentence, a book is the object. Okay, तो object क्या है? वो person या वो thing है जिसके ऊपर वो action किया जाता है, ठीक है? तो अगर हमने देखना है कि sentence, किसी भी sentence में object क्या है, तो हम ये अपने आप से पूछ लें कि who received the action? किसको action मिला? किसके ऊपर action किया गया? अब जैसे ये है, दिव्या रीड्स अ बुक, तो इसमें जो दिव्या ने रीड किया वो क्या किया? बुक, तो बुक को रीड किया गया, तो बुक के ऊपर एक्शन किया गया, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस केस में क्या होगा? बुक होगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है ऑब्जेक्ट के लिए कि जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो एक्शन होता है वो खुद क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक है। तो एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होता है, और जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है, क्रिया होती है, और जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। Let's stop for a quick activity. Look at these three boxes: subjects, verbs, and objects. You can form a complete sentence if you put together one list item from each box. Ready to try it out? अब देखो इसमें हमने क्या करना है, ये तीन चीजें दी हुई है, सब्जेक्ट्स दिए हैं इसमें चार, वर्ब दिए हैं इसमें चार, और ऑब्जेक्ट दिए हैं इसमें चार, तो हमने इन चारों को आपस में मिलाकर के चार सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आई एट, अगर इसको लेकर के हम देखें आई एट, अब इसमें चारों में से ऑब्जेक्ट्स में क्या हम खा सकते हैं? मैंने क्या खाया? द बॉटल, एन एप्पल, द फुटबॉल, डिनर, तो हम क्या खाते हैं, ठीक है। तो जैसे आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल एक सेंटेंस ये बन सकता है। सेकेंड क्या होगा? शी ब्रोक, उसने तोड़ा, क्या तोड़ा होगा उसने? शी ब्रोक द बॉटल, ठीक है, तो शी ब्रोक द बॉटल। शी कुक्ड, क्या बना उसने, क्या बनाया? डिनर बनाया, तो शी कुक्ड डिनर। चौथा है दिया एंड संजय किक्ड द फुटबॉल, दिया एंड संजय ने फुटबॉल को किक किया, तो दिया एंड संजय किक्ड द फुटबॉल। तो ये चार सेंटेंसेस मेरी तरफ से बनते हैं, हम आंसर देख लेते हैं। सम सेंटेंसेस यू कुड मेक आर, आई एट एन एप्पल, ही कुक्ड डिनर, शी किक्ड द फुटबॉल, Dia and Sanjay broke the bottle. Did you make any sentences that are not in the answer shown? ठीक है, तो ये चारों check with your friends to see whether they are correct. चारों sentences हमने बना लिए थे, तो हमने ठीक बनाया। Next करते हैं। Let's know more about objects. The objects in a sentence can be either direct or indirect. Some sentences only have direct objects, while some have both direct and indirect objects. Click each image to know more. देखो अब जो ऑब्जेक्ट्स की हमने बात की ना, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो कई सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे व्हाट एंड हुम, ठीक है, क्या और किसके लिए। और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कई सेंटेंसेस में हमारे पास दोनों तरह के सेंटेंसेस मतलब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा? टू हुम, किसके लिए, फॉर हुम, किसके लिए, ठीक है, तो किसके लिए और ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, टू हुम और फॉर हुम, तो किसके लिए, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से क्वेश्चन करते हैं तो दोनों तरह के हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस भी हमारे पास होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वाले भी सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं। तो हम एक बार ही देख लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किस तरह से हम सेंटेंसेस बोलते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और हुम। व्हाट डिड रीमा बाय? रीमा बॉट सम वेजिटेबल्स। हियर Some vegetables is the direct object. Okay, तो example दिया है ना, what did Reema buy? Reema ने क्या खरीदा? तो Reema ने कुछ vegetables खरीदी, ठीक है, तो Reema ने वो खुद ही मतलब वो vegetables खरीदी हैं, तो direct है कि Reema ने खरीदी हैं, ठीक है, तो Reema bought some vegetables. तो इस case में क्या होगा, ये जो object है जो उसने vegetables खरीदी हैं, तो vegetable object हुआ ना, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। कौन सा हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
अब हम इनडायरेक्ट देख लेते हैं. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स अदर क्वेश्चंस सच एज टू होम एंड फॉर होम. टू होम डिड अब्दुल गिव द गिफ्ट. अब्दुल गेव हिज मदर द गिफ्ट. हियर द गिफ्ट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हिज मदर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनाइए. टू होम डिड अब्दुल गिव द गिफ्ट, कि जो अब्दुल था उसने किसको, टू होम मीन्स किसको गिफ्ट दिया. तो जो उसकी उसने इसमें आंसर है कि अब्दुल ने अपनी मामा को गिफ्ट दिया. तो उसकी जो इज हिज मदर, ठीक है, तो जो गिफ्ट था वो तो क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब्दुल से संबंधित है ना वो गिफ्ट. तो गिफ्ट क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. पर उसने वो गिफ्ट किसको दिया, तो मदर भी आप उसकी जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनी इस केस में. तो जिसके ऊपर एक्शन किया गया, जिसको गिफ्ट दिया गया, तो वो जो गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था हमारा, ठीक है, वो उसकी मामा को जब उसने गिफ्ट दिया तो उसकी मामा कौन सा ऑब्जेक्ट बन गई इस टाइम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जिसमें जिसको टू होम मतलब जिसको दिया जाता है, तो ये इनडायरेक्टली जो उसकी मामा थी वो कौन सा ऑब्जेक्ट बन गई इसमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो अब्दुल गेव हिज मदर द गिफ्ट, तो अब्दुल ने उसकी मम्मा को गिफ्ट दिया, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है. Based on what you have learned so far, can you identify which of these sentences have direct objects and which have indirect objects? Drag each sentence and drop it into the correct box on the right. Okay, तो अब हमें क्या करना है, इन sentences को देखना है. अब आपको ज्यादा clear हो जाएगा कि direct object कौन से होते हैं, indirect objects कौन से होते हैं. जैसे Fatima and Sonia played tennis. अब फातिमा एंड सोनिया ने टेनिस खेला, तो खुद से खेला ना, इसमें कोई तीसरा तो इंसान नहीं है. फातिमा एंड सोनिया ने वो टेनिस खेला, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. ओके, ही ऑफर्ड मी अ चॉकलेट. ही ऑफर्ड मी अ चॉकलेट. ही वॉज रीडिंग अ बुक. वो बुक रीड कर रहा था, तो ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. ही वॉज रीडिंग अ बुक. ठीक है, द टीचर गेव अस होमवर्क. आई एट लंच. आई एट लंच भी किसमें आ जाएगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि मैंने लंच खाया. ठीक है, और दिव्या गेव मी अ पेन. दिव्या गेव मी अ पेन, वो भी किसमें आ जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में. इसको पेन रख देती हूँ मैं, तो वो भी किसमें आ जाएगा, दिव्या गेव मी अ पेन. दिव्या ने मुझे पेन दिया, तो वो किसमें आएगा, इनडायरेक्ट में आएगा. ठीक है, दिव्या गेव मी अ पेन. दिव्या ने मुझे पेन दिया. अब देखो ना, इसमें फातिमा एंड सोनिया ने टेनिस खेला, ठीक है, फातिमा एंड सोनिया ने टेनिस खेला, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि उसने टेनिस खेला. ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रहा था, वो भी क्या हुआ, वो था और पढ़ रहा था बुक, तो वो भी क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. आई एट लंच, मैंने लंच खाया, तो ये भी क्या हुआ, डायरेक्ट चीजें हुई फातिमा एंड सोनिया के साथ, उसके साथ, और मैंने लंच खाया मेरे साथ. अब क्या है, जिसमें थर्ड मतलब इनडायरेक्ट क्या हुआ, जैसे दिव्या गेव मी अ पेन, दिव्या ने मुझे पेन दिया, ठीक है, वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द टीचर गेव अस होमवर्क, टीचर ने हमें होमवर्क दिया, तो वो भी क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ही ऑफर्ड मी अ चॉकलेट, उसने मुझे एक चॉकलेट दी, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो क्रिया तो हुई बट किसी और के द्वारा की गई, जैसे दिव्या ने मुझे पेन दिया, मैंने पेन नहीं खरीदा, ठीक है, दिव्या ने मुझे पेन दिया, तो इनडायरेक्ट हो गया. टीचर ने मुझे होमवर्क दिया, या टीचर ने हमें होमवर्क दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट. मैंने होमवर्क नहीं दिया ना किसी को, या मैंने होमवर्क नहीं किया, अगर मैंने होमवर्क किया होता तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, या मैंने होमवर्क दिया होता किसी को तो भी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, बट टीचर ने हमें होमवर्क दिया तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. उसने मुझे चॉकलेट ऑफर की, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. राइट, Let's now look at two different ways to write any sentence with a direct object, active voice and passive voice. तो अभी हम next session में करेंगे कि active voice किसको बोलते हैं और passive voice किसको बोलते हैं. आपने कई बार English में किया है कि active को passive voice में convert किया और passive को active में convert किया है. तो वही सब अब हम लोग next session में ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है. Thank you बेटा.